Hi guys, this is NK Rao from Junior Study Channel. Don't Mugger Try to Build Rational and Logical Study. तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सीबीटी 2 में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को. आपको भी पता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्या जी वेटेज बढ़ चुका है और इसका क्या है जी 40% इसका वेटेज है. तो चलिए हम इसका डिस्कस करते हैं. और मैं बता देना चाहूंगा, इससे पहले मैंने सारे वीडियो बना रखे हैं जी इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लेलिस्ट अलग बना है, करंट अफेयर का अलग प्लेलिस्ट बना है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्लेलिस्ट अलग बना है. तो आप वहां से पहले टॉपिक पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा जी. चलिए क्वेश्चन नंबर 13 मैंने होमवर्क दिया था, जी. तो क्वेश्चन नंबर 13 का डिस्कस करते हैं. बोला है गतिज ऊर्जा के वेग से, गतिज ऊर्जा के वेग में 25% की वृद्धि कर देने पर गतिज ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ेगा. देखिए अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर. अब वेलोसिटी को क्या करना जी, वी को 25% इंक्रीज करना है. 25% इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, तो वी हो जाएगा 5/4. अगर पहले जो वी था उसका क्या हो जाएगा जी, 5/4 भी हो जाएगा. तो अगर वेलोसिटी क्या हो गया जी, 5/4 हो गया, यानी पहले 4 था तो क्या हो गया, 5 हो गया जी. तो अब देखिए अगर हमारे अनुसार अगर काइनेटिक एनर्जी में देखिए वी का क्या है, वी का स्क्वायर हो रहा है, तो वी का स्क्वायर हो रहा है तो क्या करेंगे जी, तो वी का स्क्वायर हो रहा है तो 5/4 का स्क्वायर कर देते हैं. तो 5/4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25/16. यानी 16 पहले अगर काइनेटिक एनर्जी था तो अब क्या हो जाएगा जी, 25 काइनेटिक एनर्जी के. तो बोला है गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना वृद्धि हुआ. ऑप्शन में देखने से पता चल रहा है कि हमको वृद्धि निकालना है. तो यानी 16 पहले था, अब क्या हो गया, 25 हो गया, तो कितना वृद्धि हुआ जी, 9 वृद्धि हुआ. कितने में, 16 में. अब इसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 होता है 25%, तो 25/4 यानी 9 225/4, इसको भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 20, 6 × 24, यानी क्या हो जाएगा जी, वृद्धि कितना हो जाएगा, 56.25 हो जाएगा, 56.25 वृद्धि हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का ए आंसर हो जाएगा. तो 13 का आंसर ए हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 14 में डिस्कस करते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है जी, बोला है 10 kg एक पिंड जो जमीन से कितने मीटर ऊंचा है जी, 10 मीटर ऊंचा है, तो उसका स्थिति ऊर्जा क्या होगा. तो स्थिति ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh. m की वैल्यू क्या है जी, 10 kg है. g की वैल्यू क्या होती है, 9.8 होता है. और ऑप्शन से हमको पता चल रहा है कि 9.8 लेना है, 10 नहीं लेना है, क्योंकि देखिए 9800 ने यथी लिखा है. तो इसका मतलब g का वैल्यू क्या लेना है, 9.8 रखना है. h की वैल्यू क्या है जी, तो 10 मीटर है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से 10 गया, क्या हो जाएगा, 980. यानी क्या हो जाएगा जी, बी आंसर हो जाएगा. तो 14 का आंसर बी हो जाएगा. चलिए तो आज तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है जी, 5 kg द्रव्यमान वाली बंदूक से, 5 kg द्रव्यमान वाली बंदूक से अगर इतने केजी की गोली इतने मीटर पर सेकंड गति से फायर की जाती है, तो गोली की गतिज ऊर्जा बंदूक की गतिज ऊर्जा का अनुपात बताना जी. देखिए जी अब देखिए यहाँ पे आपको न्यूटन का थर्ड लॉ भी लगेगा. क्यों लगेगा, क्योंकि 5 kg द्रव्यमान की बंदूक से इतने केजी की गोली कितने से रफ्तार से गई है जी, 5 मिनट, तो 5 kg की गोली है. यानी देखिए m जो आपको कैपिटल m ले रहे हैं, 5 kg है जी. 5 kg द्रव्यमान वाले बंदूक से इतने केजी की गोली, यानी स्मॉल m क्या है जी, गोली के लिए ले है, क्या है, 10^-2 kg है. ये भी क्या है, केजी है. गोली को 500 m/s की गति से फायर की जाती है, 500 m/s से फायर की जाती है. गोली की गतिज ऊर्जा का बंदूक की गतिज ऊर्जा का अनुपात बताना. देखिए तो यहाँ पे तो पहले क्या लगेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, m1v1 = m2v2 लगेगा. ठीक है जी, तो m1v1 m2v2, तो यहाँ पे m क्या है जी, 5 kg है. इसका वेलोसिटी क्या है जी, निकालेंगे हम अभी, इसका वेलोसिटी निकालेंगे. m2 का क्या है, 10^-2, वेलोसिटी क्या है जी, इसका 500 m/s है जी. तो यहां से हम v1 निकालेंगे, v1 क्या है जी, बड़े वाले का यानी बंदूक की बंदूक को जो झटका मिलेगा वो कितना मिलेगा, वही हमारा क्या है, v1 है. तो चलिए 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 × 100 तो क्या हो जाएगा, 1 m/s हो जाएगा. तो यानी बंदूक को कितना मिला जी झटका, तो 1 m/s के अनुपात से मिला है. अब बोल रहा है गोली की बंदूक ऊर्जा और इसकी बंदूक ऊर्जा को क्या क्या बताना है, अनुपात बताना है जी. चलिए तो अनुपात बताना है, गोली का क्या हो जाएगा, 1/2 mv² / बंदूक का क्या हो जाएगा, 1/2 M, ये v2 था, ये v1 है जी. ठीक है, तो 1/2 कैंसिल हो गया. स्मॉल m का 10^-2, उसका वेलोसिटी क्या है, इसका वेलोसिटी था स्मॉल वाले का 500 m/s था,
गोली का। और बड़े वाले का क्या था जी, मास 5 kg था, उसका वेलोसिटी क्या है जी बड़े वाले का, तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, यहां से क्या मिलेगा 100, तो क्या हो जाएगा रेशियो क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा, तो 1:1 मिलेगा जी। हाफ एम वी स्क्वायर है जी, हाफ एम क्या है जी, वी स्क्वायर है जी, 500 का स्क्वायर करेंगे ना, तो 500 × 500 होगा, तो यहां से देख सकते हैं 1 × 500, तो क्या हो जाएगा 500 आंसर आ जाएगा, 500 क्या हो जाएगा जी, हाफ एम वी स्क्वायर, वी क्या है जी 500 m/s है, एम वी स्क्वायर 500 × 500, एम वी स्क्वायर 1 × 1, तो आपको ये 5 से काटेंगे 100, यहाँ 100 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 500 आ जाएगा, तो रेशियो क्या हो गया जी 500 हो गया। ऑप्शन में देखिए 500 का रेशियो आपको क्या दिखा रहा है जी, ए वाला ऑप्शन जो है वो आपको है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं जी। अगर देखिए इसको अगर हमको वैसे बना रहा है कैसे जी, जैसे हम बनाते आ रहे हैं उस वाले नियम से देखिए क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का अनुपात बताना है जी, काइनेटिक एनर्जी का अनुपात बनाना है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है, पी स्क्वायर 2m होता है। देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं, इसका मतलब इस बंदूक का मोमेंटम और क्या हो जाएगा, गोली का मोमेंटम क्या होगा, बराबर होगा, तो मोमेंटम बराबर होगा तो क्या हो जाएगा उनका काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या हो जाएगा, उसका मास का क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का मास यानी पहले वाले गोली का बंदूक का लेना है तो गोली वाले का क्या है, मास नीचे ले जाएंगे, मास क्या है जी, गोली वाले का मास क्या है 10^-2 kg, उसके बाद क्या है जी बंदूक की गति जो ज्यादा, बंदूक की गति जो ऊपर मास उसका चला जाएगा तो उसका मास क्या है जी 5 kg है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा जी। देखिए जो इतना क्या हो जाएगा, इससे सिंपल हो जाएगा, यही हम लोग को सब समझना है जी, ट्राई टू बिल्ड अप कंसेप्ट यू, ठीक है ना जी, तो अपना यहाँ पे कंसेप्ट बिल्डअप कीजिए जी, और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, मैं कोशिश करूंगा आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, बोला है कि बंदूक का संवेग 5 m/s 40 m/s तक बढ़ाने के लिए कितना बल लगाना होगा जी, क्या बोल रहा है जी, किसी बंदूक का संवेग इतना सेकंड में इतने मीटर पर तक बढ़ने के लिए कितना बल लगाना होगा जी, तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है एफ टी, आवेग बराबर क्या होता है संवेग होता है, एम चेंज डेल्टा भी, तो एक बोला है वस्तु का संवेग क्या है जी 5 सेकंड में इतने केजी पर मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने के लिए कितना बल लगाना होगा जी, क्या जी 5 सेकंड इतना तक बढ़ाने के लिए 40 kg/m/s, ये क्या है, एफ बराबर पावर अपॉन टाइम, यहां पे देखिए एम भी है, सॉरी जी ये देखिए क्या है केजी मीटर पर सेकंड है, यानी ए वाला डिवाइड नहीं है जी, ठीक है ना, तो ये क्या है हमको पावर दिया है, क्या दिया जी पावर दिया है, तो एफ इंटू टी क्या होता है जी पावर होता है, एफ इंटू टी क्या होता है जी पावर होता है, क्या होता है चेंज इन मोमेंटम क्या होता है पावर होता है, तो यहां पे देखिए चेंज इन मोमेंटम जो 5 सेकंड है, तो 5 सेकंड ये हो जाएगा, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी निकालना है, और डेल्टा पी क्या दिया 5 दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा जी एफ की वैल्यू 8 N हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी 8 N हो जाएगा, आंसर मेरा क्या हो जाएगा 8 N आ जाएगा, तो यहां से देख सकते हैं कि हम लोगों ने सॉल्व कर लिया जी। अगर किसी को फॉर्मूला अगर नहीं याद है, किसी को अगर फॉर्मूला नहीं याद है जी, तो देखिए मोमेंटम क्या होता है जी, इसमें एक्सप्लेन किया है एम भी होता है, ठीक है जी, अब टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया है, एफ ए क्या होता है पावर होता है, तो देखिए अगर आपको पावर बराबर एफ इंटू टी नहीं पता है, तो देखिए आपको ये तो याद होगा ना जी, वर्क बराबर क्या होता है एफ इंटू एस होता है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट है ये वर्क है, तो उसको अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा पावर हो जाएगा जी, तो पावर को एफ इंटू एस बाई टी, तो एस बाई टी क्या होता है वेलोसिटी होता है, एफ इंटू भी हो जाएगा, तो इससे भी आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जिससे भी चाहें उससे भी बना सकते हैं जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला जी, पृथ्वी की सतह पर किस पिंड का भार इतने न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा, देखिए जी वेट क्या है, वेट का वैल्यू क्या होता है एमजी होता है, क्या होता है वेट बराबर क्या होता है जी, वेट बराबर एमजी होता है, तो एमजी होता है, वेट क्या दिया है 29.4 N दिया है, 29.4 N दिया है, एम क्या है जी निकालना है हमको पृथ्वी की सतह पर, तो जी की वैल्यू क्या होती है जी 9.8 होती है, अब हमको 9.8 लेना है कि
10 लेना है। ये देखिए ऑप्शन से हमको पता चल रहा है कि 9.8 ही लेना है जी, तो चलिए 9 × 3 = 27 यानी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, 3 kg आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन क्या है जी, बहुत क्वेश्चन देखा देखा सा लग रहा है और बना रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो भी लड़के इसको अगर लाइटली लेंगे, जो भी लड़के इसको लाइटली लेंगे उनका कंसेप्ट बिल्डअप नहीं होगा, तो प्लीज आप इसको लाइटली ना लें, मैं बना रहा हूं ठीक है ना, वैसे ही आप भी इसको पहले ट्राई करें, क्या करें जी, आप भी इसको ट्राई करें और उसके बाद इसको बनाने की कोशिश करें। इस वीडियो का आज का हम लोग टारगेट रखते हैं जी 1000 व्यू का, 1000 लाइक का, तो चलिए आप इसमें मेरा हेल्प कीजिए जी, अभी नए नए चैनल है तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें ताकि वो भी इससे बेनिफिट उठा सके जी। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम लग रहा है आप उसको कमेंट बॉक्स में डालें और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी जी। कुछ लड़के ये भी बोल रहे थे कि सर कुछ वर्ड आप बोलते हैं उसका इंग्लिश वर्ड आप बोलते हैं तो उसका लिख दीजिए, तो देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं हिंदी बोलता हूँ, कुछ वर्ड इंग्लिश में बोलता हूँ, आप अगर मेरा लेक्चर 10 से 12 दिन देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि उस इंग्लिश वर्ड का मीनिंग क्या है जी, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जी। और बात की जाए तो रेलवे सीबीटी 2 में आपको से बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का बहुत ही हाई पोर्शन आने वाला है, उसमें भी बेसिक साइंस का ज्यादा आने वाला है क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो पहली बार इंक्लूड हुआ है और उसके भी सिलेबस क्या है जी, बहुत सारे दिक्कत है तो उसके पार्ट कम रहेंगे और बेसिक साइंस का ही ज्यादा रहेगा, तो इससे ज्यादा से ज्यादा आप लोग पढ़िए जी और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मेरा है कि आप लोग डेली 1 से 2 प्रैक्टिस सेट लगाए जिससे आपको क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि m द्रव्यमान का एक कण है जी, क्या है जी, m द्रव्यमान का एक कण है, उसका वेग क्या है जी, v है, यदि वह 2m द्रव्यमान के अनस्थिर कण से जाकर टकराता है जी, क्या है जी, 2m द्रव्यमान के अनस्थिर कण से जाकर टकराता है और उससे चिपक जाता है, इस निकाय का वेग निम्न होगा। देखिए अब मास मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना जी, मास का क्या है जी, देखिए इनिशियल मोमेंटम यानी इनिशियल मोमेंटम रहा क्या होता है, फाइनल मोमेंटम, पहले ये था मास, इसका वेलोसिटी भी था, अब क्या हुआ, 2 मास से टकराया जी और ये मास है, ये 2m से टकराया जी, अब इस दोनों को जब टकराया गया तो चिपक गया है, तो दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा जी, एक ही तो वेलोसिटी हो जाएगा ना, ये v1 हो जाएगा, ये v2 हो जाएगा। देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या होता है जी, यहाँ पे जो मोमेंटम है या फाइनली मोमेंटम क्या हो जाएगा, इक्वल रहेगा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जब नहीं लगा रहता है तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है, इक्वल होता है। अब देखिए इस थ्योरी को मैं अलग से अगर आपको बताऊंगा तो वहां पे कंफ्यूजन आ सकता है जी, लेकिन यही न्यूमेरिकल है तो उसमें समझाने पर क्या होता है, ये कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होता है जी। तो मोमेंटम कंजर्वेशन कब लागू होता है, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। देखिए अब यहाँ पे बॉल आकर ऐसे टकराया, इस बॉल से अगर टकराया तो क्या होगा जी, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो देखिए इनिशियल मोमेंटम क्या जी, एक ही केवल एक ही जो मास का, जो मास m था उसी का तो वेलोसिटी था जी, तो उसका वेलोसिटी क्या था, v था, तो क्या हो जाएगा m1 v1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है जी, m1 नहीं है, इसको m लिख देते हैं, m इंटू क्या है जी, इसका वेलोसिटी क्या है, v है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, दोनों को वेलोसिटी, दोनों मास का क्या है जी, सेमी वेलोसिटी है, तो दोनों का मास इंटू दोनों का वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा m, स्मॉल m का उसका वेलोसिटी क्या है, v2 है, और कैपिटल m जो 2m है उसका क्या है जी, उसका वेलोसिटी क्या है, सेम है, या ऐसे लिख सकते हैं या कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है, m प्लस 2m और v2 भी लिख सकता है, या डायरेक्ट ये भी लिख सकता है 3m है, दोनों का वेलोसिटी क्या है जी, वही है। तो अब देखिए यहां से हमको v2 निकालना है, बोला है निकाय का वेग निम्न होगा, तो देखिए v2 हमको निकालना है, m v है, यहां पे क्या हो जाएगा, ये 3m हो जाएगा, ये v2 हो जाएगा, m और v तो दिया हुआ है, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, v/3 क्या हो जाएगा जी, v2 आ जाएगा, यानी जो ये निकाय है उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा जी, v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, v/3, यानी जो पहले वेलोसिटी था उसका क्या हो जाएगा जी, 1/3 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ये डी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिएगा, क्वेश्चन बोला है दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमानों का अनुपात इतना है, उनकी गतिज ऊर्जा समान हो तो बी और ए के रेखीय संवेगों का अनुपात क्या होगा जी। देखिए बोला है दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमानों का अनुपात क्या है जी, 3:1 है, यानी m1/m2 क्या है, 3:1 है, उनकी गतिज ऊर्जा समान है, काइनेटिक एनर्जी क्या है जी, समान है। चलिए तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p²/2m, तो ए और बी के रेखीय संवेग, देखिए अब काइनेटिक एनर्जी समान है जी और मोमेंटम का पूछा जा रहा है, तो देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है जी, अब इसी को मोमेंटम में क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहां पे देखिए कितना आप समझ गए, तो हमको क्या निकालना है, मोमेंटम का अनुपात निकालना है जी, तो देखिए यहां से आइए
मोमेंटम का अनुपात निकालना, तो मास क्या है जी, मास का अनुपात क्या हो जाएगा, इस अगर मान लीजिए पी वन लिखते हैं, पी वन स्क्वायर अपॉन पी टू स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा जी, टू एम वन काइनेटिक एनर्जी वन अपॉन टू एम टू काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा जी, टू। तो काइनेटिक एनर्जी सेम है तो इसको हटा दीजिए, मास का रेशियो जो है वही तो आ जाएगा ना, तो मास का रेशियो क्या है जी, तो थ्री इज टू वन है, तो थ्री इज टू वन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो थ्री इज टू वन आंसर हो जाएगा, यहां से आंसर 19 का बी हो जाएगा जी। देखिए कितना, सॉरी मोमेंटम का स्क्वायर जो है, सॉरी देखिए मोमेंटम का जो स्क्वायर है क्या है, थ्री इज टू वन हुआ है, तो मोमेंटम पी वन अपन पी टू क्या आ जाएगा, इधर रूट लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट थ्री इज टू वन हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, रूट थ्री इज टू वन हो जाएगा, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। देखिए एक्चुअली मैं भी गड़बड़ कर गया था, पहले ध्यान नहीं दिया था जी, तो मोमेंटम का रेशियो बताना था, ये हमारा सॉल्व हो गया जी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है जी, देखिए कभी भी क्वेश्चन बनाने से पहले मैं बोल रहा हूँ, ये प्रैक्टिस सेट की तरह आप लोग इसको टिल कीजिए जी, पहले क्वेश्चन को पढ़िए बिना मेरा सोल्यूशन, अब क्या कीजिए वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपने आप से खुद उस क्वेश्चन को बनाइए, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिए, तो आपको क्या होगा ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा जी, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि सब पहले प्रैक्टिस करें जी इसको। चलिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, बोल रहा कि अगर 50 केजी का भार का लड़का 6 मीटर लंबी खड़ी रस्सी पर एक मिनट में चढ़ता है तो उसके द्वारा चढ़ाई हुई विकसित शक्ति क्या होगी। देखिए अब पोटेंशियल एनर्जी निकालना है जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, देखिए शक्ति का निकालना है, हम पहले एनर्जी निकाल लेते हैं उसके बाद एनर्जी को क्या करेंगे जी, टाइम से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा पावर आ जाएगा, तो पावर बराबर क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बाई टाइम। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच बाई टाइम होता है जी। तो अब देखिए तो पावर बराबर हो आपको हो जाएगा एक मिनट, देखिए पावर बराबर क्या हो जाएगा, एम, एम क्या है जी, तो 50 के जी है, जी क्या है, तो जी की वैल्यू यहां दिया है ऑलरेडी, तो हम क्या लेंगे 10 ले लेंगे, और एच, एच क्या है जी, बोला है 6 मीटर लंबी खड़ी रस्सी पर एक मिनट में चढ़ता है जी, तो एच क्या है जी 6 है, टाइम क्या है जी एक मिनट है। देखिए अब एसआई यूनिट में मिनट का क्या होता है जी, टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, जो सेकंड होता है, तो एक मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, एक मिनट गुने 60 सेकंड, तो सेकंड में ही आंसर लेंगे, तो आंसर कैंसिल हो जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो 50 वाट आंसर होगा। अब वाट होता है इसका यूनिट, तो वाट रहेगा। देखिए कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है जी, आपको न्यूमेरिकल बनाने भी पड़ेंगे, कभी क्या हो जाएगा ऑप्शन से ही यूनिट से आप छांट सकते हैं जी, कभी कभी तो ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे जो यूनिट से छांट जाएगा। देखिए इतने जो, इतने सारे जो डिस्कशन हो रहे हैं, तो प्लीज उस बात पर ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट क्या है जी आपके लिए बहुत सारा एग्जाम में हेल्पफुल होता है, तो प्लीज इसको प्रैक्टिस सेट की तरह बनाइएगा, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, बोला है यदि 1 न्यूटन का एक बल 50 ग्राम द्रव्यमान पर कार्य करता है तो त्वरण क्या होगा जी। बोला है 1 न्यूटन का एक बल, 1 न्यूटन का बल है जी, ए एफ की वैल्यू है, 50 ग्राम द्रव्यमान, यानी देखिए अब एम क्या होता है जी, केजी में होता है, तो हाफ 500 ग्राम का मतलब क्या हो जाएगा, हाफ केजी हो गया, तो कार्य क्या हो जाएगा, तो कार्य करता है तो त्वरण बताना जी, तो त्वरण के लिए देखिए एफ बराबर क्या होता है एम, ऐसे क्वेश्चन में बता रहा हूँ ग्रुप डी और एएलपी में लगभग मतलब अल्टरनेट डे आ रहे थे जी, तो ऐसे क्वेश्चन को अगर मिस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपको नुकसान हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू मान रखिए, एम की वैल्यू हाफ रखिए, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा टू, अब टू क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यूनिट होता है एक्सेलरेशन का, तो क्या हो जाएगा टू आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हुए, देखिए मैं एक वीडियो बता दूं कि देखिए क्वेश्चन जो आपको आने वाला है जी, क्वेश्चन कहां से न्यूमेरिकल बनने वाला है, तो आप ध्यान दीजिए जी, एक बार पूरा मैं पूरा टॉपिक लिख देता हूं, ये थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होगी लेकिन सब लोग ध्यान दीजिए, आपको यूनिट एंड डायमेंशन से जो है कन्वर्जन आएगा जी, यूनिट एंड डायमेंशन से कन्वर्जन आएगा, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड है, गैलन है, माइल है, फीट है, पाउंड है, ठीक है ना जी, तो इस सब से न्यूमेरिकल आपको आएगा ही, कन्वर्जन आएगा जी, टेम्परेचर में, डिग्री सेंटीग्रेड में, माइल में, गैलन में, फुट में, पाउंड में, ठीक है जी, इंच में, ठीक है जी, उसके बाद पावर आता है 10^7, 10^9, ये सब पावर जो है आपको, वो सब क्वेश्चन हुआ, ये सब क्वेश्चन आएगा ही आएगा जी, ठीक है। अब बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर से, स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर से आपको सारे फॉर्मूले याद करने हैं जी जो भी रिलेटेड है, उसके बाद देखिए स्पीड एंड वेलोसिटी का भी मैंने न्यूमेरिकल करा रखा है, आप उतना न्यूमेरिकल अगर कर लेते हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है जी आगे। अब बात की जाए तो फिर से मोमेंटम कंजर्वेशन से आएगा, जो कि सिलेबस में नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट में, जब आप काइनेटिक एनर्जी वर्क पावर एनर्जी बनाएगा तो आपको बनाना ही पड़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा आया है जी ग्रुप डी में और एएलपी में, तो हमेशा आया, काइनेटिक एनर्जी से आया है, न्यूटन लॉ से एफ बराबर एम ए आया हुआ है, एफ बराबर एम ए आया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी आया है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एमजीएच वाला आया है, बहुत बार आया है जी, ठीक है ना।
अब एक संवेग का आया है जी, यूनिट एंड डायमेंशन बात की जाए तो यूनिट किसका है, रेजिस्टेंस का यूनिट है कि क्या है क्या नहीं है, ये सब न्यूमेरिकल आया हुआ है। देखिए जो भी वीडियो है ठीक है ना, उसको बना रहा हूं तो उस वीडियो को थोड़ा समझिए जी और कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा समझने के लिए। अब बात की जाए फिर से वर्क पावर एनर्जी की, बात इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी से तो न्यूमेरिकल आपको ज्यादातर आएगा, इसका पक्का है, ये तो 7 स्टार है जी, इलेक्ट्रिसिटी से आपको आएगा ही आएगा। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर से आएगा, मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है कैसे कैसे, उसको मैं बना दूंगा, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन टॉपिक है जी। तो इतना सब हम लोग क्या करेंगे जी, इसको हेल्प करेंगे, जिससे क्या होगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा सबको बेनिफिट मिलेगा जी। तो चलिए अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है जी, यदि 1 न्यूटन का एक बल, तो ये हो गया 21 हो गया सॉरी, क्वेश्चन नंबर आता है 22। 22 में क्या है जी, बोल रहा है 1 न्यूटन का एक बल लगभग बराबर होता है। 1 न्यूटन का बल किसके बराबर होता है जी, तो इतने ग्राम भार के, इतने ग्राम भार के। देखिए अब हमको क्वेश्चन से देखने से पता चल रहा है जी, एक एक केजी तो दिया नहीं है। देखिए वेट बराबर क्या होता है जी, एमजी होता है, वेट बराबर क्या होता है एमजी, तो हमको कितना 1 न्यूटन है, वेट 1 न्यूटन है जी, एम क्या है हमको निकालना है, जी की वैल्यू क्या है। अब देखिए अगर हम जी की वैल्यू 10 रखते तो क्या हो जाता है, 1/10 होता है, तो 1/10 यानी 100 ग्राम तो कोई है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या रखना है, जी की वैल्यू 9.8 रखना है जी। तो देखिए अगर मान लीजिए एम की वैल्यू, अगर यहाँ जी की वैल्यू अगर 10 रखते, अगर मान लीजिए जी की वैल्यू 10 रखते तो क्या होता है, 1/10 यानी 0.1 यानी क्या हो जाता है 100 ग्राम होता है, यानी 100, अब यहाँ पे क्या है जी कम है, ये 9.8 लिए हैं तो मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 ग्राम से ज्यादा होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो थोड़ी सी ज्यादा होगी तो कौन सा होगा जी, 102 ग्राम हो जाएगा ना बाहर। तो इस तरह देखिए क्वेश्चन को एग्जैक्ट हमने बनाया नहीं लेकिन सॉल्व कर दिए थे, तो यही हमको तरीका सीखना है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको इसमें नहीं बताएगा जी, क्योंकि ये मैथ से रिलेटेड है। देखिए मैं वही बता रहा हूँ, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, वेट बराबर एम जी होता है, मान लीजिए एम जी की वैल्यू 10 रखते हैं, तो जी की वैल्यू जैसे 10 रखे, देखिए मास बराबर क्या हो जाएगा जी, एफ बाई जी। देखिए अगर जी की वैल्यू अगर 10 रखते हैं, जी की वैल्यू 10 रखते हैं तो क्या आता है 100 ग्राम आता है, अगर इसको छोटा रखेंगे 9.8 छोटा रखेंगे तो एम की वैल्यू क्या ज्यादा आएगी ना जी, तो 100 से ज्यादा आएगी, 100 से ज्यादा कितना, थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो 102 आंसर हो गया ग्राम। तो देखिए बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए हम लोग क्या किए, उसको आंसर निकाल लीजिए, यही होता है तरीका। अगर जो इस तरीके से नहीं बनाएगा उसको तो नुकसान झेलना ही पड़ेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ एक क्वेश्चन देखिए इस बुक में जो सोल्यूशन दिया है उससे अगर बनाइएगा तो कॉम्पिटिशन में आप तो फिर से नुकसान हो जाएगा जी। चलिए तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको बना रहे हैं ठीक है, लेकिन तरीका समझिएगा जी, रैशनल और लॉजिकल माइंड बिल्डअप कीजिए स्टडी के लिए, और यही जरूरी है जी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में, बोल रहा है एक बल का परिणाम क्या जी, 10 न्यूटन है, क्या जी एफ की वैल्यू क्या है, 10 न्यूटन है। यदि एक पिंड पर कार्य करता है जिसका एक भाग बहु और बहु बिंदु से बल की दूरी इतनी है जी, बोल रहा है ये क्या है जी, 10 मीटर है, मान लीजिए आपका क्या है जी दरवाजा है, दरवाजा है मान लीजिए, इसे दरवाजा है, ये क्या है जी हिंच है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जी, दरवाजा क्या होगा रोटेट होगा ना, तो वहीं रोटेट होगा तो उसी को बोलते हैं बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण निकालना है। देखिए तो यहां से यहां दूरी कितना है जी, यहां से यहां दूरी क्या बोला है, एक बल का परिणाम 10 न्यूटन, तो यहाँ पे कितना लग रहा है जी, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यह एक पिंड कार्य करता है जिसका एक भुजा बहु और बहु बिंदु पर बल की दूरी क्या है, 4 मीटर है, ये दूरी कितनी है तो 4 मीटर है, तो बल आघूर्ण निकालना है। तो बल आघूर्ण एफ, टॉर्क बराबर होता है जी एफ क्रॉस आर, क्या होता है एफ क्रॉस आर होता है, तो एफ क्या है जी 10 न्यूटन है, आर क्या है जी 4 है, तो क्या हो जाएगा 40 न्यूटन, 40 न्यूटन मीटर, आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा जी। तो यहां से समझिएगा बल आघूर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, टॉर्क बोलते हैं। जो भी इंग्लिश मीडियम के उन्हें भी कोई भी डाउट नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ कि ये जो वीडियो है आपको बाइलिंगुअल है जी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है यदि 5 न्यूटन का एक बल 2 kg द्रव्यमान पर कार्य करता है तो त्वरण क्या होगा जी। देखिए अब एफ बराबर क्या होता है जी एम में, तो एफ क्या दिया है 5 न्यूटन दिया हुआ है, एफ क्या दिया 5 न्यूटन, 2 kg की द्रव्यमान है, एक्सेलरेशन बताना है जी, तो क्या हो जाएगा 5/2 क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा 2.5 m/s² हो जाएगा जी। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि ये मेरा वीडियो लॉजिकल है और शेयर करने लायक है तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, एंजॉय योर लाइफ। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप करेंट अफेयर का वीडियो जरूर देखें जी। थैंक यू सो मच।